अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मोमोज। मोमोज बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए आपको दिखाते हैं। हमने आधा किलो के करीब करीब कीमा ले लिया है चिकन का। उसमें डलेगा नमक, सोया सॉस, सिरका, चिल्ली सॉस, ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। काली मिर्च, दो चम्मच गोभी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, कुटी हुई धनिया, गाजर और शिमला मिर्च। देख सकते हैं हमने कीमा ले लिया है। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे सिरका। एक और आधा चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस। एक चम्मच हम चिली सॉस डालेंगे, ये ऑप्शन में है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें। नमक, काली मिर्च का पाउडर, अब हम इसमें सारी सब्जियां ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें गोभी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्चों का भी, फिर हम इसमें गाजर ऐड करेंगे और शिमला मिर्च और धनिया भी ऐड कर लेंगे। और फिर इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मैच हो गया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। के बाद हम एक तसला लेंगे जिसमें हम एक कप मैदा डालेंगे। नमक शामिल करेंगे और घी शामिल करेंगे और हम आटा, अब हमारा आटा गूंद लिया है, हम इसे एक प्याले में डाल देंगे। अब हम इधर चटनी की तैयारी करेंगे। हमने 6 से 7 इधर टमाटर ले लिए, एक लहसुन का जवा ले लिया है और गोल वाली मिर्च ले ली है। अब हम इसे पीस लेंगे। एक तरफ हमने अब हमारा स्टीम बनाने के लिए रखी है, एक पतीले में तो आधा पानी लिया है और एक छन्नी रख दी है। एक तरफ हमारी स्टीम बनेगी, दूसरी तरफ हम चटनी की तैयारी करेंगे। एक पैन ले लिया है, उसमें हम ऑयल डालेंगे, अब ऑयल गरम हो गया था, अब हम इसमें चटनी का पेस्ट डाल देंगे। देख सकते हैं हमारी अब चटनी यहाँ पर बनने के लिए रख दी गई है।
अब हम मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। हमने एक छोटा पेड़ा ले लिया है। अब हम इसकी छोटी सी रोटी बेल लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी छोटी सी रोटी बन गई है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इसके चारों तरफ पानी लगा लेंगे। अब आप चाहें कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें लहसुन का शेप देंगे। मर्जी है आप कौन सा भी शेप देना चाहें, जो पसंद हो वो, जो इजी हो वो, लेकिन हमने इसमें लहसुन का शेप दिया है। देख सकते हैं हमारा मोमोस अब तैयार है। ये देखें, माशाल्लाह से हमारा मोमोस एक रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरे भी शेप में बना लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है और हमारा स्टीम भी तैयार है। अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। और बनाए हुए वाले सारे मोमोज हम इसमें रख देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। अब आप देख सकते हैं हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। हमने एक प्याले में निकाल लिए। माशाल्लाह से क्या कलर आया है और बहुत मजेदार सी चटनी है। आप रमजानों में भी इसे ट्राई कर सकते हैं, आम दिन में भी घर में बना सकते हैं। बहुत मजे की है। अब आप देख सकते हैं हमारे मोमोस बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं अब आप देख सकते हैं हमारे मोमोज बिल्कुल तैयार हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे मोमोज बिल्कुल तैयार हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे मोमोज तैयार हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर मोमोज तैयार है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।